वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले जो कि आपके एग्जाम एसएससी जेई डीएमआरसी और कोल इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का 8वां पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, उस पर सारे पार्ट्स देख सकते हो। और साथ ही साथ जो भी सेशन इस सुपर एमसीक्यू सीरीज में मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वो चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप उसको आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे नए चैनल कोचिफाई को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसको आपको नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है, सो दैट हम जैसे भी सेशंस अपलोड करते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई अंडरस्कोर ऑफिशियली। ये हमारा पब्लिक चैनल है, आप टेलीग्राम ओपन करके इसको सर्च भी करते हैं तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि जो हमने 5 मिनट सीरीज़ को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, डेली 5 मिनट एक्सप्रेस सीरीज़ को, आज का जो 14 फरवरी का डेली वन लाइनर करंट अफेयर है वो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। सिर्फ 5 मिनट में आपके सारे डेली एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। आपके एग्जाम तक आपको करंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये सेशन होते ही आप उसको जाके देख सकते हो। सिर्फ आपके 5 मिनट देना है दिन के, दैट्स इट। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इन डायनामोमीटर वैट मीटर द मूविंग कॉइल इज द करंट कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल। देखिए, डायनामोमीटर वैट मीटर में ये मैंने मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे एक सेशन लिया था, सेकंड वाला, उस पर क्वेश्चन पूछा था। उसका करेक्ट आंसर था पोटेंशियल कॉइल। काफ़ी आप लोग कीनले मेरे सेशंस देखते हो, आई टोटली अप्रिशिएट दैट, और आप उसका कमेंट करके भी मुझे आंसर बताते। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर मुझे अभी तक बताया। तो चलिए ये सेशन को शुरू करते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। हमने अभी तक हमने 7 सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए। यहाँ पे जो टैग्स दिख रहे होंगे उसका मतलब है कि हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमने कितने सेशंस लिए हैं। अगर ये जो भी 4 टॉपिक्स कवर कर लिए, 1, 2, 3, 4, अगर आपको इस पे कोई भी टॉपिक पे अगर आपको और एक्स्ट्रा सेशन चाहिए होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे सेशंस लेना चालू करने, इस पर हम 5 से 6 सेशंस हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाए। देखिए, जो सिलेबस फॉर द पेपर वन है ये है एसएससी जेई का, ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम होने वाले मार्च में। बट ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपकी कोल इंडिया और डीएमआरसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एमसीक्यूज जो भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ये सारे कॉमन रहते हैं। इसलिए आप इसको सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे व्यूअर्स का ऑडियो रिटेंशन बहुत कम है। अगर आप लोगों को इसका लेंथ ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज को ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको 20+ एमसीक्यूज चाहो तो प्लीज़ आप मेरे सेशन को कंप्लीट विदाउट स्किप करके देखा करिएगा, सो दैट आपके 20 एमसीक्यूज में बाकी के भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज भी कवर हो जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक 5 है, क्लास 8 है हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट। नो लोड स्पीड कौन से मोटर की। देखिए, सबसे पहले आज के इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग डीसी मोटर का एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद में हम डीसी जनरेटर देखेंगे, देन इंडक्शन मोटर, देन 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा, ओके। मैं अभी ये सीक्वेंस बता दे रहा हूँ सो दैट आपको हर एक सेशंस में, हर एक टॉपिक पे, छोटे से छोटे टॉपिक पे मल्टीपल एमसीक्यूज कवर हो जाए, ओके। नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट, तो होता है सीरीज मोटर का। देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहता है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। देखिए, मैं वेरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करता हूँ, मॉडरेट से लेकर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पे, सो दैट आपके वेरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाए। ये रहता है यहाँ पे स्पीड, वाई एक्सिस पे यहाँ पे रहता है टॉर्क, ओके, यहाँ पे 0, दो पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ करके बता दो, ओके। इस तरीके से ग्राफ होता है बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो, एट दिस पॉइंट ए एंड बी, ए बी, ओके। ये पॉइंट पे आप इस कोऑर्डिनेट पे देख सकते हो कि स्पीड कम है, टॉर्क ज़्यादा है, दैट मीन्स नो लोड स्पीड। हम लोगों नो लोड पे कौन से मोटर का स्पीड ज़्यादा रहता है, तो दैट मीन्स सीरीज मोटर। ये सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख सकते हो। यह हायर स्पीड पे लो टॉर्क देता है, प्रोवाइड करता है, और लो स्पीड पे हायर टॉर्क रहता है। बेसिकली इसी का जो एप्लीकेशन है वो रहता है लोकोमोटिव्स में, जहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क लगता है। जैसे वेगन है, समझ लो, इसका जो इनर्शिया रहता है, इसका जो वेट को ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले इनर्शिया का ओवरकम करने के लिए टॉर्क लगेगा। तो इस मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, सबसे ज़्यादा टॉर्क रहता है इनिशियली, देन आफ्टर अचीविंग सर्टन स्पीड
उसका टॉर्क कम हो जाता है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय. डीसी सीरीज मोटर मतलब क्या होता है मैं बता दूँ, ये जो फील्ड वाइंडिंग रहती है ये आर्मेचर में सीरीज में कनेक्टेड रहती है. ओके, ये हो गया हमारा आर्मेचर, इसको हमने दे दिया सप्लाई प्लस माइनस, ये फील्ड एफ एफ डबल डैश ए ए डबल डैश. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन है अगर हम लोगों को चेंज करनी होगी डीसी सीरीज मोटर पे, तो हमने इसमें से क्या करना चाहिए, हमको सप्लाई वोल्टेज या फिर फील्ड टर्मिनल चेंज करने से हो जाएगा या फिर दोनों करने से हो जाएगा. देखिए मैं बता दूँ आपको कि हम डीसी सीरीज मोटर में हम लोगों को फील्ड टर्मिनल्स को चेंज करना होगा. मैं अभी फिर से एक बार ड्रॉ कर दूँ, गलती से इरेज हो गया था. यहाँ पे अगर एफ एफ डैश है तो आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एफ डैश एफ डबल डैश एफ, ये जो टर्मिनल्स है आपको इसको कम्प्लीटली इंटरचेंज करना पड़ेगा, सो दैट आप लोग ये जो आर्मेचर का रोटेशन है ना आप उसको उल्टा कर सको. यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा बाय चेंजिंग इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल्स. तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क. थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकोमोटिव. लोकोमोटिव मीन्स ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका, लोकोमोटिव के लिए हम लोगों को हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क लगता है, उसके लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर भी यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द डीसी मोटर विल बी प्रिफर्ड एज फॉर द मशीन टूल्स. मशीन टूल्स के लिए हम लोग शंट मोटर यूज़ करते हैं. मशीन टूल, ये जो शंट मोटर रहता है, शंट मोटर में प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ओके, ये शंट में कनेक्टेड रहती है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो स्पीड रहता है वो फेयरली कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग इन द लोड. यहाँ पे अगर लोड भी कनेक्टेड रहता है तो ये जो मशीन टूल के लिए ये प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड रहती है, इसलिए हम लोग डीसी शंट मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं. देखिए सेशन में मैंने एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया है. अगर आपको डीसी मोटर्स पे न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए. देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपके मन में जो भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. आपको मैं आपको पता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ो कंप्लीटली आपको मैं जो भी आपकी कमेंट्स रहते हैं उसको रिप्लाई करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको डाउट आता है या फिर कोई भी सेशन चाहिए रहता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वो मैं टोटली अप्रिशिएट करता हूँ, सो दैट हमारा कम्युनिकेशन बना रहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डीसी मोटर इज प्रिफर्ड फॉर द एलिवेटर्स. शंट मोटर, सीरीज मोटर, यहाँ पे सीरीज मोटर टिक करके बताना है, ये गलत ऑप्शन है. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर. हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है हाईएस्ट टॉर्क भी रहता है इसका, और इट कैन बी ऑपरेटेड इवन एट अ नो लोड एंड कैन रन मॉडरेटली हाई स्पीड एट अ नो लोड. इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की प्रॉपर्टी है. इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा रहता है बट वो हाई स्पीड पे भी रन होती है एट अ नो लोड. देखिए डीसी ये कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये मोटर कहाँ पे यूज़ होता है. देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहते हैं बट जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है ना उसको आपको टैकल करना आना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला रहता है एलिवेटर्स में, दूसरा रहता है रोलिंग मिल्स में. मैं बता दूं अभी अगर आपको सेशन स्किप करना होगा तो प्लीज़ आप वो ना करिएगा, क्योंकि मैं हार्डली 20 से 25 मिनट का भी सेशंस रखता हूँ. स्किप करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आता. पंचेस, अगर ये आपको पूछा जाए, और इस टाइप के प्लानर्स वगैरह में और भी कुछ सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, वहाँ पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं. ओके, तो उसका करेक्ट आंसर था कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ डैश. सो मिडल फिंगर विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए मैं आपको ग्राफिकली आपको समझा दूँ. देखिए अगर आपका आप ये सेशन देख रहे होंगे तो आपका ही हैंड इसको इस तरीके से फोल्ड करके आप देख सकते हो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे ऑपरेट होता है. आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है. लेफ्ट हैंड रूल है ये, बेसिकली मोटर के लिए रहता है ये. अगर जनरेटर के लिए पूछा जाए तो विच रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर द जनरेटर, तो आप राइट हैंड रूल करके भी उसको टिक करके आ सकते हो, वो उसका करेक्ट आंसर होगा. मोटर के लिए रहता है लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर के लिए रहता है राइट हैंड रूल. थंब यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स.
इंडेक्स फिंगर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप यहाँ से जाते हैं नॉर्थ टू साउथ जो फील्ड जा रही है इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, और द मिडल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ हम लोगों को करंट बता रहा है, इस तरीके से करंट इसमें से फ्लो होगा। आई होप आपको ग्राफिकली अच्छे से समझ में आया होगा, आप खुद इसको प्रैक्टिकली आप खुद करके अपने हाथ पे देख सकते हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन वाइल मोटर इज रनिंग, अगर फील्ड वाइंडिंग जो है डीसी शंट मोटर की वो ओपन कर दी जाए मोटर रनिंग में तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सो बेसिकली द मोटर विल अटेंड डेंजरसली हाई स्पीड, अगर फील्ड ही निकाल दी तो आपको एक इक्वेशन पता रहना चाहिए, ई बी इज इक्वल टू फाइव पी जेड एन अपॉन 60 ए। ओके पी जेड 60 ए कॉन्स्टेंट रहते हैं, फाइव और एन डिपेंडेंट रहते हैं, दैट मीन्स ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्सेस इनटू स्पीड। इस फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो, अगर हमने शंट मोटर का जो फील्ड ओपन कर दिया तो मोटर विल अटेंड अ डेंजरसली हाई स्पीड। ओके ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ डीसी शंट मोटर एज द लोड इज रिड्यूस द स्पीड विल इंक्रीज, द स्पीड विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द रिडक्शन इन लोड। अगर हम लोग लोड बढ़ा देते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट होगा, तो द स्पीड विल रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। मैंने आपको बताया था डीसी शंट मोटर, हम लोगों को बताया गया डीसी शंट मोटर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो फेयरली कॉन्स्टेंट रहता है विद अ वायरिंग लोड। ऐसा नहीं कि आप लोग कितना भी लोड यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, बट विद दिस फील्ड विच इज़ कनेक्टेड इन द शंट, ये शंट में कनेक्टेड होते, शंट मतलब होता है पैरेलल में कनेक्टेड। देखिए आप ये सप्लाई है पे आप ये जो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड है इसके, उसी के कारण इसका जो फील्ड रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है और वही हम लोगों को देता है कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया इन अ डीसी शंट मोटर एज अ लोड इज रिड्यूस स्पीड विल रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, अगर लोड बढ़ाती भी तो स्पीड फेयरली कॉन्स्टेंट ही रहता है डीसी शंट मोटर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डीसी शंट मोटर की। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ डीसी शंट मोटर द स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन अ बैक ईएमएफ ओनली बिकॉज, इट इज़ ओनली बिकॉज फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट ऑन अ डीसी शंट मोटर। अभी थोड़ी देर इसके पहले के क्वेश्चन में हमने देखा फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहते हैं क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है पैरेलल में कनेक्टेड रहती है। ओके ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी ईजिली कन्फर्म दैट अ पर्टिकुलर मोटर इज अ डीसी मोटर। आप कौन से पार्ट पे देख के आप बता सकते हो कि ये मोटर डीसी मोटर है या फिर इंडक्शन मोटर है या फिर कोई। डीसी मोटर के लिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या देखोगे, कम्यूटेटर। अगर उसमें कम्यूटेटर प्रेजेंट है तो दैट इज अ डीसी मोटर। यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको दिखा दूँ इस तरीके से, अगर आपने आप जो टॉयज में मोटर अगर कभी जिंदगी में खोली होंगी, आपने बचपन में खोला होगा उसको, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होंगे यहाँ पे जो इस तरीके से पोर्शन रहता है ये रहता है कम्यूटेटर। ओके और ये जो बड़े स्केल पे जो डीसी मोटर रहती है यहाँ पे इस तरीके से कम्यूटेटर का उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है या फिर इस तरीके से वो दिखाई देता है। ओके ये रहता है कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर। इस तरीके से स्मॉल स्केल जो टॉयज में रहता है विच कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मोटर कंस्ट्रक्शन वेर यू कैन सी द कम्यूटेटर लाइक दिस। ओके आपने इस पार्ट को अगर नोटिस किया होगा तो इट इज़ नथिंग बट अ कम्यूटेटर। तो आप कम्यूटेटर को देख के आप बता सकते हो कि मोटर डीसी मोटर है या नहीं है। ओके इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स रहती है, ये ध्यान में रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेटर एंड स्लिप रिंग्स। देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाए, मैंने एक मेरा डीसी मोटर का सेशन है वहाँ पे काफ़ी सारे व्यूवर्स ने कमेंट करके रखा है कि जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन लिया था कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर, मैंने वहाँ पे पूछा था डीसी जनरेटर नहीं। देखिए अभी इस सेशन में मुझे याद आया कि मैं आपको वो बता दूँ, डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी टू एसी, इसका एक थ्योरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर आपको डीसी जनरेटर पूछा जाए तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होता है क्योंकि हम लोगों को सप्लाई डीसी में मिलता है। ओके इसीलिए जनरेटर में एसी टू डीसी, और डीसी मोटर पूछा जाए ना बेसिकली कम्यूटेटर हम लोग जनरेटर के रिलेटिव को रिलेट करते हैं, बट लेकिन क्वेश्चन को आपको फ्लिप करके पूछने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं कि डीसी मोटर पूछ देते हैं, इसलिए उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पे कमेंट में रिप्लाई करके बताया। बट यहाँ पे सेशन में अगर आपने वो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर रहता है इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट इन केस ऑफ, सो इट इज़ अ लीस्ट इन केस ऑफ अ शंट मोटर जस्ट बिकॉज ऑफ द फेयरली कॉन्स्टेंट स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर। देखिए मैं आपको थोड़े टाइम पहले ही बता दिया, डीसी मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे डीसी जनरेटर रहता है तो आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को भी ध्यान में रखना होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेस, बैक ईएमएफ इंक्रीजेस या फिर करंट डिक्रीजेस। देखिए रिडंडेंटली मैं पढ़ता नहीं, आपको बता दें, अगर आप स्पीड अगर डीसी मोटर की इंक्रीज हो जाती है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, इसी से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके रख सकते हो। डीसी मोटर पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो ई बी इज इक्वल टू 5PZN/60A, ये फॉर्मूला याद रखें आप, इसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। सिर्फ फाइ और एन जो वेरिएबल्स रहते हैं ये बाकी कॉन्स्टेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, स्पीड अगर बढ़ता है तो सबसे पहले हम लोग ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और एन लिख लेते हैं। ओके दैट मीन्स बैक ई एम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्सेस एंड स्पीड। अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं तो स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ई एम एफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्सेस। When the speed of a DC motor increase, यहाँ पे जब देख सकते हो रिलेशन से समझते, अगर स्पीड बढ़ती है तो बैक ई एम एफ विल भी इंक्रीज। ओके तो ये ऑप्शन आ जाएगा, बैक ई एम एफ विल भी इंक्रीज और फ्लक्सेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स जो करंट है इट विल भी डिक्रीज। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज यूजली प्रोवाइडेड विद अ थिक वायर to provide large flux to reduce the use of insulating material as it carries a load current, या फिर in order to reduce the eddy current। Field winding of DC series motor हम लोगों को पूछा है, so it is usually provided with a thick wire। It is just because आप लोग एक normal logic के लिए सोच सकते हो कि DC series motor में load भी यहाँ पे आर्मेचर पे load connected रहता है, ये field winding होगी और ये हो गया आर्मेचर। ठीक है, इसी से मान लो एक सेम करंट जा रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर। ओके तो ये करंट ज़्यादा रहेगा तो ये वाया फील्ड वाइंडिंग भी जाएगा, वाया आर्मेचर भी जाएगा। तो इसी के लिए हम लोगों को जो फील्ड वाइंडिंग है इसका जो कंडक्टर का साइज़ है वो थिक चाहिए होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डीसी शंट मोटर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज इट कैरीज द लार्ज लोड करंट। द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद अ थिक वायर, यहाँ पे थिक वायर रहता है। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज एज इट कैरीज द लोड करंट वो कैरी करता है इसीलिए। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क या फिर लो स्टार्टिंग टॉर्क। सो बेसिकली डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर हम लोग लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर, काफ़ी कम यूज़ करते, बट फॉर द लो स्टार्टिंग टॉर्क इट कैन बी यूज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटर इक्वेशन इज गिवन बाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दूँ। ये डीसी मोटर डीसी जनरेटर में हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन हम लोग डीसी जनरेटर का लेने वाले हैं, वहाँ पे ये चीज़ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस हम लोग देखने वाले हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चंस अगर होंगे डीसी मोटर्स पे तो वो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे को आप क्वेश्चन पूछा गया, मोटर इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर इज गिवन बाय, सो बेसिकली सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू होता है बैक ई एम एफ प्लस आई ए आर ए, दैट मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन द आर्मेचर का ड्रॉप, आई ए आर ए दैट मीन्स आज वो आर्मेचर में ड्रॉप होता है, यहाँ पे हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं। ओके, सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ई एम एफ प्लस आई ए आर ए, और इसी के उल्टा हो जाता है ई बी इज इक्वल्स टू वी प्लस आई ए आर ए होगा, तो वहाँ पे डीसी जनरेटर के लिए वो इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ई एम एफ प्लस आर्मेचर ड्रॉप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ए इंटू आर ए। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी थोड़ा बहुत, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं वो एकदम डिटेल में हिंदी में मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई होप जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा, और इसको इस सेशन को आपको लाइक करके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द करंट ड्रॉन बाय अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स एंड बैक ईएमएफ 200 वोल्ट। हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या था, वी इज इक्वल्स टू ई बी बैक ईएमएफ प्लस आई ए इनटू आर ए। इससे हम लोगों को
पूछा गया कि करंट कितना ड्रॉ करेगा, करंट कौन ड्रॉ करेगा, आर्मेचर ही। ओके तो हम लोग करंट कैसे निकालेंगे, करंट विल बी इक्वल्स टू, ये डुएबल रहते हैं, इसके लोग आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं रहती इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे प्रिलिमिनरी लेवल्स में, वी माइनस ई बी बाय आर ए। वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट माइनस बैक ईएमएफ कितना है 200 वोल्ट्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम्स। 220 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट। अगर 0.5 है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएंगे, तो दैट मीन्स 1/0.5 आपको पता है, इंटू 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो हमारे पास आ जाएगा 40 एम्पियर। ओके करंट विल बी इक्वल्स टू 40 एम्पियर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आएगा। आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसका प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। क्वेश्चन को आपको हिंदी में बता दो सो दैट आप उसको करेक्टली मार्क कर सको। कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज को सस्टेन कर सकता है, वो सहन कर सकता है, तो आपको स्लिप रिंग, कम्यूटर, फील्ड वाइंडिंग या फिर अमेचर वाइंडिंग में ऐसा कौन सा वो पार्ट है, वो आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा, इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और इस सेशन के बाद में आपको आज के करंट अफेयर सिर्फ 5 मिनट में जाके देखना है, उसका लिंक मैं आपको कोचिफा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।